तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में 44वीं नर्मदा पंचकोशी यात्रा आज ओंकारेश्वर से शुरू हुई, जिसका पहला पड़ाव सनावद रहा। सनावद रात्रि विश्राम के बाद यात्रा शनिवार टोक्सर के लिए रवाना हुई। यात्रा के शुरू होते ही चारों ओर नर्मदा हर की गूंज सुनाई दी, जिसमें वातावरण भक्तिमय हो गया। नर्मदा परिक्रमा यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा बेहतर व्यवस्थाएं की गई। जगह जगह पुलिसकर्मी और नगर सुरक्षा समिति के जवान तैनात रहे, साथ ही पॉइंट भी बनाए गए। लेकिन यात्रा के बीच वाहनों की आवाजाही पंचकोशी यात्रियों के लिए परेशानी बनती नजर आई। स्वच्छता का ध्यान रखते हुए नगरपालिका द्वारा जगह जगह चली शौचालय की भी व्यवस्था की गई। 100 से अधिक नगरपालिका कर्मी यात्रा की व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। खरगोन रोड स्थित कृषि मंडी में यात्रियों के रुकने की व्यवस्था की गई, साथ ही किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए नपा में मंच भी लगाया है। हालांकि स्वास्थ्य सुविधाएं नजारत नजर आई। नगरपालिका सीएमओ ने बताया कि रात्रि में विद्युत की व्यवस्था है, साथ ही बारिश को देखते हुए नगरपालिका ने शासकीय स्कूलों और धर्मशालाओं में यात्रियों के रुकने की व्यवस्था की है। पूरा सनावद शहर पंचकोश यात्रियों से पटा नजर आ रहा है। सनावद से प्रभु दोगिया की रिपोर्ट। बेटा क्या नाम है आपका? ऋषि का जाट। कहाँ रहते हैं आप? बरनावत। आज पंचकोशी यात्रा आपने कब से शुरू करी? आज से। तो कहाँ से आ रहे हैं आप? राजगढ़ जिले से। ओंकारेश्वर से आपने यात्रा शुरू करी है? हाँ। पहली बार आ रहे हैं कि इससे पहले भी आ चुके हैं? पहली बार। कैसा लग रहा है आपको अनुभव? अच्छा लग रहा है। रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं। आपके साथ में और कौन कौन है? मेरी मम्मी। परिवार के लोग हैं साथ में आपके? हाँ। थैंक यू। सर, आज देवउठनी 11 से पंचकोशी यात्रा का आगाज हुआ है, सनावद में पहला पड़ाव है, क्या व्यवस्था है सर, किस तरीके से? नगर पालिका द्वारा साफ सफाई, पानी व्यवस्था और मंडी में ठहरने की व्यवस्था कराई गई है, विद्युत व्यवस्था की गई है। कितने कर्मचारी इसके अंदर कार्य के अंदर लगे हैं सर? इसमें करीब 50 कर्मचारी लगाए गए। और जैसे पहला पड़ाव है आज यहाँ पर, रात के अंदर अगर कभी बारिश वारिश हुई तो उसके लिए? इसके लिए हमने मंडी में व्यवस्था की है, धर्मशाला करी है और स्कूल कराए। कितनी धर्मशाला है इसके अंदर विभाग में सर? चार धर्मशाला है और 2 मंडी है। और स्कूल है? स्कूल 2 है। शासकीय स्कूल है सभी? शासकीय स्कूल है, कन्याशाला एक बालक है। अपने परिसर में, नगरपालिका परिसर में भी लोग रुक रहा है? हाँ, यहाँ भी रुकेंगे, यहाँ भी हम व्यवस्था करेंगे। कितने लोगों की व्यवस्था है सर टोटल? ये 50-60 हज़ार के एवरेज से करेंगे सर। कहीं ना कहीं वाहन जो है परेशानी का सबब बन रहा है यात्रा, उसको भी हटवाएंगे टीआई साहब से मिलते। ठीक सर, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।